परंतु ये परमेश्वर का वचन जो हमारे पास मुफ्त में आता है वो प्राप्त करने में भी एक खतरा है पीपुल में टेक इट वेरी लाइटली लोग शायद उसे बहुत ही नाम का ऐसे ही हल्के में गिन लेते हैं वी डोंट रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट गॉड्स वर्ड हम परमेश्वर के वचन को मान नहीं देते हैं दैट्स वन बिग प्रॉब्लम विद क्रिस्टियनिटी और ये मसीहत के लिए बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में only we understand the importance of god's word when we really do not have the word with us हम परमेश्वर के वचन के महत्व को तभी समझ पाते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे पास उपलब्ध ना हो i hope that day should not come but at least we should take enough opportunities to study and meditate god's word even now और मैं प्रार्थना करता हूं कि वैसा दिन हमारे जीवनों में न आए परंतु आज जब हम यहाँ पर है तो आज भी हमें ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने की आवश्यकता है कि हम सीखे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है इन दिनों में हम एक विश्वासी के सामर्थ्यों के बारे में मनन कर रहे हैं पावर ऑफ द क्रॉस इन लाइफ हमने हमारे जीवनों में

और ये भी शायद बहुत ही महत्वपूर्ण लाक्षणिकता है जो हर एक विश्वासी में होनी चाहिए फॉरगिवनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ए क्रिस्टियन लाइफ क्षमा करना हर एक मसीह जीवन की शुरुआत है एंड फॉरगिवनेस इज क्राइस्ट नेचर और ये माफी देना या फिर क्षमा करना ये परमेश्वर यीशु मसीह का चरित्र है एंड फॉरगिवनेस इज अ साइन ऑफ ए बिलीवर और ये जो माफी करना या फिर क्षमा करना ये हर एक विश्वासी का चिन्ह है वी बिकम क्रिश्चियंस ओनली व्हेन वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड रिसीव द फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड हम सचमुच में मसीही तब ही बनते हैं विश्वासी तभी बनते हैं जब हम हमारे पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर से वो क्षमा प्राप्त करते हैं एंड दैट्स व्हाई द फॉरगिवनेस शुड बी इनबॉर्न इन एवरी क्रिश्चियन और इसीलिए ये जो क्षमा है वो हमारे अंदर से हर एक मसीह के अंदर से निकलनी चाहिए अनफॉरगिविंग स्पिरिट एंड ग्रज इज अ साइन ऑफ एन अनबिलीवर किसी की भी प्रकार का uh, मन के अंदर हमेशा कुछ पकड़े रखना जकड़े रखना या फिर किसी को क्षमा न करना ये कोई विश्वासी का चिन्ह नहीं है और अगेन एंड अगेन इवन इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर द क्वेश्चन कम्स हाउ मेनी टाइम्स शुड आई फॉरगिव माय नेबर और बारंबार जो है निरंतर हर एक विश्वासी के मन में भी ये प्रश्न उठता है कि कितनी बार मैं मेरे पड़ोसी को क्षमा करते रहूं? Why do we ask that question? हम ये प्रश्न क्यों पूछते हैं Because we are taunted by the unforgiving spirit. क्योंकि हम तो वो क्षमा न करने वाली आत्मा से हम घिरे हुए रहते हैं वी डू नॉट want टू forgive certain पीपल हम कुछ लोगों को क्षमा करना ही नहीं चाहते हैं we do not have a mind to forgive people हमारे पास वो मन ही नहीं है कि हम दूसरे लोगों को क्षमा करें peter asked the same question to you, jesus पतरस ने भी यीशु मसीह से यही प्रश्न पूछा being a disciple walking every day with christ he wanted to know how many times actually can he forgive others और यीशु मसीह का चेला था वो यीशु मसीह के साथ चलता था दिन और रात परंतु उसने भी पूछा कि दूसरे व्यक्ति को कितनी बार उसे क्षमा करना है सेवन टाइम्स सात बार जीजस सेवनटी टाइम्स सेवन परंतु यीशु मसीह ने कहा सत्तर बार सात इट नॉट मीन फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी टाइम्स इसका मतलब यह नहीं है कि चार सौ नब्बे बार माफ करना है इवन इफ यू टेक फोर हंड्रेड एंड नाइनटी टाइम्स यदि आप चार सौ नब्बे बार को अगर आप गिनो आई डोंट थिंक एनी वुड कमिट एस अगेंस्ट यू इन ए डे फोर टाइम्स मैं मानता हूं कि आपके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति 490 बार एक दिन में कोई गुनाह नहीं करेगा इवन इफ समी डन दैट जीजस सेट यू नीड टू फर गिव दैट मेनी टाइम्स और अगर किसी ने ऐसा किया भी हो तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें उतनी बार माफ करना है इन अदर वर्ड वॉट जीजस से There is no number of forgiving, forgiving times. दूसरे शब्दों में जो यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं वो ये है कि किसी को माफ करने के लिए कोई आंक नहीं है कि तुम इतनी बार इसको माफ करना है वी शुड हैव दैट नेचर ऑफ फॉरगिवनेस विद इन अस एज बिलीवर्स और विश्वासी होने के नाते ये जो क्षमा का जो बर्ताव है जो स्वभाव है वो हमारे अंदर से निकलना चाहिए एंड बाइबल वेरी क्लियरली टॉक्स अबाउट द मोड ऑफ फर्गिविंग पीपल और पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट रीति से किस प्रकार हमें क्षमा देनी है उसके बारे में भी लिखा गया है और बाइबल कहती है कि अगर कोई किसी कलिसिया के संदर्भ में जाके तुम उससे बात करो ट्राई टू कन्विंसम अबाउट वॉट इज डन उसने जो किया है उसके लिए तुम उसे मनाने के लिए प्रयत्न करो एंड ब्रिंग इंगोर टू और चर्च और फिर उसके बाद दो या तीन गवाहों के सामने उसे खड़ा करो कलीसिया में इवन आफ्टर दैट ही डजंट लिसन टू यू अगर उसके बाद भी अगर वो तुम्हारी ना सुने देन ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ द चर्च तो फिर उसके बाद तुम उसे कलीसिया के सामने खड़ा करो एंड देन डिसिप्लिन हिम एज द चर्च वांटेड टू डिसिप्लिन और फिर जिस प्रकार कलीसिया करना चाहे उस प्रकार तुम उसे अनुशासन में रखो सो देयर इज अ वे ऑफ forgiving and also interacting interrogating with people on this issue तो मतलब कोई भी मुद्दे के ऊपर किसी को क्षमा करने के लिए या फिर उस मुद्दे के ऊपर चर्चा विचारणा करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए एक रीति है बट वी आर अ वेरी ऑकवर्ड काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड परंतु हम इस संसार में बहुत ही अलग प्रकार के लोग हैं जीसस आल्सो मेंशन अबाउट अ क्रूअल मास्टर और यीशु मसीह ने तो जरूर मालिक के बारे में भी प्रभु के वचन में लिखा है। He was in debt with a big amount to his master। और उसके मालिक के पास उसका बहुत ज्यादा कर्जा था। But he was forgiven। परंतु उसे क्षमा दी गई थी। But he could not forgive his servant who was in debt with a small amount। <laughs> परंतु वो अपने चाकर को माफ नहीं कर पाया जिसका उसके पास थोड़ा ही कर्ज कर्जा था। you know, It looks like we are very selfish। ऐसा लगता है उसमें भी हम बहुत ही स्वार्थी बन जाते हैं तो क्षमा चाहिए परंतु वो हम ये नहीं चाहते कि हमसे वो क्षमा दूसरे लोगों के पास भी पहुंचे तुम ऐसे क्यों मानते हो कि यीशु मसीह ने हम सबको माफ किया blessed to be a blessing for others. हमें आशीषित किया गया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने गॉड हेज फॉर सो अदर्स परमेश्वर ने हमें क्षमा दी है ताकि हम ये परमेश्वर की क्षमा को दूसरों तक पहुंचा पाए। इवन इन मैथ्यू चैप्टर एटीन होल हार्टेडली मथी अट्रा में भी लिखा है कि हमें पूरा हृदय से क्षमा देने की जरूरत है But there is something called unforgiving spirit. परंतु ऐसा कुछ है जिसको क्षमा न देने वाला आत्मा कहते हैं मेनी मेनी दिस स्पिरिट और काफी सारे लोगों के पास ये आत्मा होता है Even in the Christians, so Christians. और ये जो नामधारी जो मसीही लोग हैं, मसीही लोगों में भी आत्मा होता है व्हाट इज दिस अनफॉरगिविंग स्पिरिट डू परंतु ये जो क्षमा न देने वाला जो आत्मा है ये क्या करता है इट लीड्स टू अनरेस्ट ये हमें बेचैनी की तरफ लेके जाता है Our quiet time is disturbed because of the spirit. और यह आत्मा की वजह से हमारा शांत समय जो है वो बहुत ही मुश्किल में आ जाता है we are, we cannot concentrate on meditating God's word. परमेश्वर के वचन में मनन करने के लिए अध्ययन करने के लिए हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं we cannot freely pray in the presence of God. और बहुत ही स्पष्ट रीति से खुले मन से हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं

और ये कुछ है जो क्षमा न करने वाली जो आत्मा है उसके है There is one psychologist who said like this, एक और वो कहते हैं कि यदि आप अपने भावनाओं को बाहर लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो आपके जो आंतरिक जो अंग है वो रोने लगेंगे द मोर यू की

वो उसे क्षमा नहीं कर पा रही थी द मोमेंट शी सी सेम शी गेट्स एंगर एंड हर बीपी राइजेस अप जिस क्षण उसको वो देखती है उसे क्रोध आने लगता है और उसका बीपी जो है वो ऊंचा चले जाता है एंड नो मेडिसिन कुड वर्क इन हर बॉडी और कोई दवाई उसके शरीर में काम नहीं कर रही थी एंड शी हैज डेवलप्ड स्टमक अल्सरस विद इन और उसकी वजह से उसके पेट में जो है वो छाले पड़ने लगे थे सो हाउ डू हाउ डू यू हील दोस अल्सरस नाउ परंतु उन को को किस प्रकार चंगा करेंगे? Only when she learns to forgive her husband. ये तभी होगा जब वो अपने पति क्षमा करना सीख लेगी। This will not happen because of medicine. ये कोई दवाई की वजह से नहीं होने वाला है This is a spiritual problem. ये तो एक आत्मिक समस्या है। in many people we see such kind of problems. और बहुत सारे लोगों में इस प्रकार की समस्याएं होती है That's why the Bible says in Ephesians, Chapter 4 and verse 32. और, की पत्री चार और बत्तीस में प्रमुख और एक दूसरे को एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए है वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अ बिलीवर ये कोई विश्वासी व्यक्ति के लिए कोई विकल्प नहीं है दिस इज एन ऑब्लिगेशन परंतु ये तो करने वाली ऐसी बात है जो हमें करना ही है लॉड ये तो परमेश्वर के तरफ से एक आग्न है जो हमारे लिए है आप आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये हैसबेंड you क्या आपने अपने पति को क्षमा किया है वाइफ you क्या आपने अपनी पत्नी को क्षमा किया है

क्या आप जिस जगह पर कार्य करते हैं उसके ऊपर क्या आपके जो ऊपरी है उसको क्या आपने क्षमा किया है Have you forgiven your staff who are working under you? और उन लोगों को आपने क्या क्षमा किया है जो आपके अंडर काम करते हैं God has taught me great lessons in this regard. और इस इस विषय के बारे में परमेश्वर ने मुझे बहुत ही महान शिक्षण दिए हैं। You know, sometimes I shout at my staff.

I will never do that personally. परंतु मैं वो कभी भी व्यक्तिगत रीति से नहीं करूंगा When I hurt her in front of others, I need to ask forgiveness in front of others. यदि मैंने उसे सबके सामने चोट पहुंचाई है तो मुझे क्षमा भी सबके सामने मांगनी चाहिए And that's what I did it even couple of times. और काफी बार मैंने ऐसे किया भी I called everybody and in front of everybody, I told her sorry, asked her to forgive me. मैंने उसे सबके सामने बुलाया और सबके सामने मैंने उसे क्षमा की याचना की दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भले ही हम उस माफी के योग्य ना हो बट देर इज न क्वेश्चन परंतु आज हमें एक और प्रश्न पूछने की जरूरत है What forgiveness इज नॉट क्या क्षमा क्या नहीं है यू नो इफ आई थिंक इट इज फॉरगिवनेस काफी लोग ऐसे कहते हैं कि जब मेरे, मेरे में क्रोध ना हो मतलब कि क्रोध की अनुपस्थिति इसका मतलब है कि मैं क्षमा कर रहा हूं इट इज नॉट कीपिंग साइलेंट एंड स्टॉप टॉकिंग इसका मतलब यह नहीं है कि आप शांत हो जाए और बात करना बंद कर दे

So I have forgiven that person. और कुछ लोग कहते हैं है क्षमा कर, कर दिया की परिभाषा क्या है पर सबंध जो है रिश्तों की पुनः स्थापना हो रोम ट्वेल्व सेवेंटीन से नॉट डूंग फॉर इवल और रोमियो की पत्री और पत्र बारहवा अध्याय और सत्रहवा पद कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो दैट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है फिर से एक बार हमारे लिए दट इज अ वेरी ट्रू फॉर गिवनेस वो सच्ची क्षमा है वी आर नॉट टेकिंग एनी रिवेंज अगेंस्ट पीपल हम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई बदला नहीं ले रहे हैं In Luke's Gospel, chapter 6, verse 28 says, you you. know, bless those who curse अठाईस में लिखा है उन लोगों को आप आशीष दे जो आपको श्राप दे रहा है That is true वो सच्ची क्षमा है Matthew five forty-six says. मत्ती पांच और छियालीस में लिखा है Pray for for your enemies, it says. अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनोंने आपको खेद उनके लिए आप और में के लोगों के साथ आप रिश्तों को पुनः स्थापित कीजिए वो क्षमा है जो ये मसीह ने हमें सिखाई है

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खून कर देगा एंड ही मे फॉर हीस और फिर उसकी क्षमा मांगेगा एंड ही मे बी और उसे उसकी क्षमा मिल भी जाएगी बट द कॉन्सिक्वेंस विल बी देर परंतु उसके परिणाम तो होने ही वाले हैं वॉट आर द कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या होंगे ही माइट स्टिल गो टू द जेल एंड टेक द पनिशमेंट फॉर अ फ्यू मंथ्स वो शायद फिर से वहां पर वो कारावास में जाएगा और कुछ सालों के लिए कुछ महीनों के लिए उसे शिक्षा दी जाएगी A drunkard may be forgiven by God. एक दारू पीने वाले व्यक्ति को परमेश्वर के और से माफी दी जाएगी बट हिसेक्टेड बाई बाई ड्रिंकिंग परंतु उसका जो कलेजा है वो उस पीने की आदत की वजह से बहुत ही तहस नहस हो जाएगा वो खराब हो जाएगा उसी क्षण से क्षमा दे दी जिस दिन उसने कबूलात की मैंने तेरे परंतु उसके परिणाम उसको सामना करना पड़ा था व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या थे हिज सन डाइड उसका पुत्र मारा गया सो गॉड इज विलिंग टू फॉरगिव एवरीवन ऑफ अस परमेश्वर हम सबको माफ माफी देना चाहते हैं बट दैट डस नॉट मीन दैट यू शुड नेवर फेस एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उन पापों की क्षमा के, के प्रति जो परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे वी हैव टू फेस

वो हमें क्षमा देता है और हमारे पापों का वो स्मरण नहीं करता है और बाइबल में लिखा है कि वो फिर से पुनः कभी भी आपके पापों को याद नहीं करेगा और जब परमेश्वर हमको क्षमा देना चाहता है तो क्षमा के बदले कोई शर्तों को वो नहीं रखता है अनकंडीशनली ही फॉर बिन शर्ती से वो लोगों को माफ करता है If we we come to him and ask for forgiveness, he forgives. What happens when we don't forgive somebody? क्या होता है जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते Two things will happen. दो चीजें होगी already told you it affects your physical physical body. पहले ही मैंने कहा था कि आपके शारीरिक शरीर दैहिक शरीर पर इसकी असर पड़ती है टल स्टेटस इवन स्पिर शायद आपके मानसिक स्थिति में या फिर आपके आप, आत्मिक स्थिति में भी इसकी असर पड़ेगी वॉट इज दू डेव परंतु दूसरी कौन सी बात होती है जो होती है जब आप क्षमा नहीं करते हैं यू आर नॉट रिलीजिंग द पर्सन फ्रॉम दट बॉन्डेज आप उस व्यक्ति को उस बंधन में से छुटना नहीं दे रहे हैं उसे the, the, as एंड यू आर नॉट फॉर गिविंग जब तक आप अपने हृदय में उस व्यक्ति के प्रति पूर्वग्रह को पकड़ के रखते हैं तब तक वो व्यक्ति जो है आपके बंधन में बंधा रहता है इसीलिए भजन संहिता बत्तीस और बत्ती एक में लिखा है धन्य है वो जिसके पापों की क्षमा उसे मिली है जिस तरह से परमेश्वर ये मसीह ने आपको क्षमा दी है आपको दूसरों को क्षमा देने की आवश्यकता है Don't keep people in bondage. लोगों को आप बंधन में मत पकड़े रखिए रिलीज थ्रू योर फॉर आपके क्षमा के द्वारा उन्हें आप छुटकारा दे दीजिए रिलीज बाई शोइंग उन्हें छुटकारा दे दीजिए आपको आप, आपका प्यार उनको दिखा के रिलीज कंपैशन टूवर्ड्स उनके प्रति दया दिखा के आप उनको छुटकारा दे दीजिए जो क्षमा है वो हर एक व्यक्ति के लिए कहीं पर भी किसी भी समय में उपलब्ध है एंड फरगिविंग नेचर और ये क्षमा करने का जो स्वभाव है वो परमेश्वर का स्वभाव है When Moses asked God,

ज ग्लोरी परंतु जब मूसा से मूसा ने विनती की परमेश्वर उनकी महिमा को उसके सामने प्रकट करे वॉट इट गॉड शो मोजेस परमेश्वर ने मूसा को क्या दिखाया काफी सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी पीठ दिखाई मूसा को इट इज नॉट ग्लोरी इज नॉट दैक ऑफ गॉड ये जो महिमा है परमेश्वर की पीठ नहीं है इफ यू वेरी केयरफुली स्टडी the book of exodus chapter 34 यदि आप निर्गमन का पुस्तक उसका 34वा अध्याय बहुत ही जान पूर्वक यदि आप अभ्यास करेंगे एंड इन वर्स 6 इफ यू रीड छठवे पद में वहां पर अगर आप पढ़ेंगे as god was passing before him जब परमेश्वर उसके सन्मुख से वहां से गुजर रहा था god was showing all the characteristics of god to moses परमेश्वर जो है वो परमेश्वर के हर एक चरित्रों को मूसा के सामने प्रकट कर रहे थे गॉड्स काइंडनेस गॉड्स ग्रेस गॉड्स मर्सी गॉड्स फॉरगिवनेस ऑल दोस कैरेक्टर्सिस्टिक्स वेर शोन टू मोसेस और यहां पर परमेश्वर की दया की बात हो परमेश्वर के अनुग्रह की बात हो परमेश्वर के धीरज की बात हो परमेश्वर की क्षमा की, की, की बात हो ये हर एक चरित्रों को मूसा के सामने प्रकट कर रहे थे सो व्हाट वाज गॉड शोइंग देयर तो वहां पर परमेश्वर क्या दिखा रहे थे गॉड्स ग्लोरी वो तो परमेश्वर की महिमा थी glory is nothing but the characteristics of God. महिमा और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर की एक लाक्षणिकता है so one of the characteristics of God, God is forgiveness. तो परमेश्वर की एक और लाक्षणिकता है और वो क्षमा है जब हम ऐसे कहते हैं कि हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं

Please turn to the book of Micah. Uh, chapter 7. And verses 18 and 19. Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of his inheritance? He does not retain his anger forever. because he delights in steadfast love he will again have compassion on us he will tread our iniquities under foot he will cast all our sins into the depths of the sea वहां पर लिखा है तेरे साम तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए को अपराध को ढप दे वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा तू उनके सब पापों को गहरे समुंदर में डाल देगा ये सब जो है ये क्षमा के चिन्ह है so a, a <laughs> ये ऐसा परमेश्वर है जो हमारा परमेश्वर है आज Who is like unto this God? Today tell me. ये के समान कौन है, आप मुझे बहुत ही कम गुस्सा होता है, है क्रोधित होता है वो आपके विरुद्ध कभी बदला नहीं लेता है He is willing to forgive you anytime. और वो कभी भी किसी भी समय आपको क्षमा करने के लिए तैयार है आपको पता है जब एक साधारण साधारण विश्वासी यीशु मसीह के पास लाया गया था क्या किया ने उसके जो रोग था उसे चंगा कर दिया या फिर क्या सबसे पहले परमेश्वर ने उसके पापों की क्षमा दी उसे

अपना बिछाना ले और तू चला जा वट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या हो रही है इज हीलिंग इम्पोर्टेंट और फर्गीवनेस इम्पोर्टेंट क्या चंगाई महत्वपूर्ण है या फिर माफी महत्वपूर्ण है इट इज द फर्गीवनेस दट इज द प्रायोरिटी यहाँ पर जो प्राथमिकता है वो क्षमा को दी गई है But today the most of the false teachers they have reversed the system. परंतु आज के समय में जितने भी झूठे भविष्यवक्ता हैं है प्रचारक है इन लोगों ने इस बात को पूरा उल्टा दिया है उसके बाद बहुत बाद अगर उनके मन में आया तो वो पापो की क्षमा की बात करेंगे <laughs> परंतु आत्मिक बातों में ये बहुत ही कम पाते हैं हम वहां पर God's priority is the spiritual healing. परमेश्वर की प्राथमिकता जो है वो आत्मिक चंगाई है। Physical healing is secondary. शारीरिक जो चंगाई है वो दूसरे स्तर पे आती है। My mother suffered with paralysis for long years. मेरे माता जो है वो काफी सालों तक वो लकवे से पीड़ित थे। She was a great believer and a woman of prayer. वो बहुत ही अच्छी विश्वासी थी प्रार्थनामय व्यक्ति थी।

It's a spirituality that us to heaven. ये तो हमारी आत्मिकता है जो हमें स्वर्ग में लेके जाती है sins जब तक आपके पापों आपको क्षमा नहीं मिलती है, तब तक आप अनंत जीवन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं you know, uh, we बहुत ही uh, थोड़े ही समय के पहले हम हम मेरी बेटी के लिए हम एक लड़के को ढूंढ रहे थे

मैंने कहा कि बाइबल कभी नहीं कहते हैं कि अच्छे लोग जो है वो स्वर्ग में जाएंगे I asked one question, is he born again? मैंने एक प्रश्न पूछा कि क्या उसका दूसरी बार जन्म हुआ है I don't want a good people to come into my life, into my daughter's life. मैं ऐसा नहीं चाहता कि अच्छे लोग जो है वो मेरे बेटी के जीवन में आए Only the forgiven people should come into our life. केवल क्षमा प्राप्त किए गए लोग हमारे जीवन में आने चाहिए

हमारे पापों के अनुरूप हमसे वो बर्ताव नहीं करेगा He will not repay for our sins. हमारे पापों का बदला वो हमसे नहीं लेगा He will never take revenge of our sins. और हमारे पापों के लिए वो कभी हमारे विरुद्ध हमारे विरुद्ध बदला भी वो नहीं लेगा एंड यू नो हंड्रेड एंड और एक सौ जो भजन संहिता का गीत है वर्ष थ्री से उसके तीसरे पद में लिखा है if you keep a record of our sins who can stand before you यदि आप हमारे पापों का लेखा रखेंगे तो आपकी उपस्थिति में हम से कौन खड़ा रहेगा We cannot stand before him हम उसके उपस्थिति में खड़े ही नहीं रह सकते हैं because he forgives and forgets we are so bold enough to come into his presence क्योंकि वो क्षमा करता है और क्योंकि उन पापों को याद नहीं रखता है इसीलिए हम बहुत ही स्पष्ट रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं all those who are washed in the blood of Jesus Christ. जो भी लोग परमेश्वर यशु मसीह के लहू में धुले हुए हैं ऑल दोस्त जीसस क्राइस्ट आप में से हर एक जो यशु मसीह के लहू में धुले हुए हैं शुद्ध हुए हैं ऑल दोस्तू आर फरगिवन बाई गॉड जो भी परमेश्वर के द्वारा माफी प्राप्त की है जिन लोगों ने दे शुड देस दिस नेचर ऑफ फरगिवनेस उनके अंदर भी ये क्षमा करने का जो स्वभाव है वो उनके अंदर वास करना चाहिए आई यू मैंने पहले ही आपको कहा मुझे एक, आ, उड़ाव पुत्र की कहानी यहां पर याद आती है नो well, हमें ये कहानी बहुत अच्छे से पता है, है ना

हमने वहां पर उस पिता को एक बाजू रखकर उस उड़ाव पुत्र को ज्यादा जोर दे दिया है उस पर बताना चाहता हूँ क्यों उस कहानी का शीर्षक होना चाहिए था आपको पता है जब उस पुत्र ने यह निर्णय लिया अपने मन में कि वो अपने पिता के घर वापस जाएगा you know, like उसने अपने मन में इस प्रकार सोचा था I I I will will go to my father. मैं I will say that Lord, I have sinned against you and heaven before heaven. before स्वर्ग के, के विरुद्ध विरुद पाप किया है और मुझे माफ कर दे और मुझे तू स्वीकार ले अपने एक सेवक के तौर पे, पुत्र के तौर पे नहीं Probably the son must have made a rehearsal at the pigs. और शायद वो वापस आते समय उसने बारंबार अपने मन में ये सोच कर इस वार्तालाप को अपने मन में रखा होगा। Now uh, this is what I am going to tell to my dad. ये मैं मेरे पिता को कहने वाला हूँ वहाँ जाकर। While the story says, while he was coming, while he was still far off. और वहाँ पर उस कहानी में लिखा है वो जब आ रहा था और अभी तो वो दूर ही था। Father went running towards him. वो पिता दौड़ के उसके पास चला गया यू नो वाई फादर वेंट रनिंग आपको पता है क्यों दौड़कर पिता वहां पर गया उसके पास देर वॉज ए कस्टम इन दोस डे और उस समय के पैलेस्तीन के इलाके इलाके के अंदर ये प्रणाली का थी उस समय द कस्टम इज दैट एनी सन हु लीव्स द होम एंड गोज अवे इज द सन हु कॉस्ट डिस्ग्रेस्ट टू द फैमिली और उस समय की प्रणाली का इस प्रकार की थी कि जो भी पुत्र अपने बाप के घर को छोड़कर दूर कहीं चला जाता है उसका मतलब यह था कि इस पुत्र की वजह से इस घर पर अपमान आया है और पूरा समुदाय जो है वो इस प्रकार की मान्यता रखता था कि वो फिर से पुत्र बनने के लायक नहीं है so तो इसका मतलब है कि जब वो पुत्र वापस गांव में खुद आता है एनीबडी इन दिलेज सीज पूरे गांव में उस पुत्र को देखता है अकॉर्डिंग टू दे कस्टम उनकी प्रणालिका के अनुसार दे पॉट ऑफ वॉटर एक जो मटका है पानी का मटका उसके पास लाया जाए एंड दे इफ दे ब्रेक दैट पॉट इन फ्रंट ऑफ दट सन और यदि वो मटके को पानी के मटके को उसके सामने फोड़ेंगे

उसे संपूर्ण रीति से पूरे आजीवन एक अपमान का बेटा के तौर पे उसे रहना पड़ेगा नाउ यू कैन इमेजिन सोचिए कि दिन और रात वो पिता अपने बेटे की आने की वाट देख रहा होगा एनी डे और एनी नाइट द सन वुड एंटर इनटू द विलेज किसी भी दिन या किसी भी रात वो बेटा शायद वो गांव में वापस आ जाए

कितना प्रेम करने वाला पिता वो था He does not want to lose him forever. वो उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता था No sleep, day and night, waiting to see if the sun would sun would step into that village. कोई नींद नहीं दिन और रात सिर्फ राह देखने की कि कभी भी वो पुत्र गांव में प्रवेश करेगा He should not be discarded forever. उसे हमेशा के लिए नाश में या फिर वो निकाला नहीं जाना चाहिए

क्षमा की याचना कीजिए पापों का पश्चाताप कीजिए परमेश्वर के सामने और आई सम्यूटी परंतु एक सुंदरता इस बात की मैं आपको कहना चाहता हूं all by himself and he entered the village. और उस गांव के अंदर वो पुत्र ने अपने मन में सारी तैयारी करके वो वहां पर प्रवेश किया था आई विल गो एंडसेप्टी एजन सर्वेंट मैं जाके मेरे पिता से क्षमा मांगूंगा मुझे माफ कर और अपने एक नौकर के समान मुझे गिन ले Before he could utter any single word. वो एक शब्द अपने मुंह से पाए उससे पहले went and him and him and him home. <laughs> पिता जो है वो दौड़कर उसके पास गया चुंबन किया और अपने घर में वापस स्वीकार लिया तो so वे तो फिर अब ये पिता ये पुत्र ने इन सब बातों के की कबूलात कब की नॉट बिफोर द फादर हगिंग हिम पिता ने जब तक उसे अपने बाहों में नहीं लिया तब तक नहीं Not before the father kissing him। पिता ने चुंबन किया था उसके पहले नहीं नॉट उसको घर में वापस लेके आया तब तक नहीं। Even before that, you know, God has forgiven him। इन father सब has चीजों forgiven. से पहले ही परमेश्वर ने उसे माफ कर ही दिया है महान अद्भुत अजायब परमेश्वर हमारा है आज और आपको ऐसा क्यों लगता है आप ऐसे क्यों सोचते हो क्षमा मांगने से पहले कबूलात करने से पहले ही पिता उसको घर में वापस लेके आया होगा well. पिता को एक बात बहुत स्पष्ट रीति से पता थी द मोमेंट ही सॉ दिन टू दिलेज जिस क्षण उसने उसके पुत्र को गांव में वापस प्रवेश करते हुए देखा था फादर टूड सी द रिप्रेंटेड हार्ट इन हिम ओ पिता को उसके पुत्र के अंदर जो पश्चातापिक जो हृदय था वो दिखा था कन्फेशन इज नॉट नीडेड देन कबूलात की जरूरत वहां पर नहीं थी अब ऑलरेडी आई कुड सी द रिपेंटेंस इन सन मैं तो मेरे पुत्र के अंदर वो पश्चाताप देख रहा हूं बैक होम हि कमिंग होम वो घर पे आ गया है वो वापस आ रहा है He need not <laughs> उसे अब कबूलात करने की आवश्यकता नहीं है आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट turn to 32nd psalm मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक वचन दे देना चाहता हूं आप 32वें भजन संहिता को खोलें 32nd psalm verse 5 भजन संहिता 32 और उसका पांचवा पद I want every one of you to see this very carefully मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक लोग इस पद को बहुत ही ध्यान से देखें। I acknowledged my sin to you And I did not cover my iniquity. जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपायानफेस माई ट्रांसक्रेशन टू तब मैंने कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा वेरी गुड वर्ड मान लूंगा ही अभी ये बहुत ही अच्छा शब्द है मान लूंगा उसने अभी तक कबूलात नहीं की थी बाइबल confess. बाइबल में लिखा है कि मैं कबूलात करूंगा इट्स फ्यूचर टेंस ये भविष्य की बात है एंड देन वॉट इज द आंसर फॉर दैट फिर उसका प्रत्युत्तर क्या है इसके अंदर यू केट द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट एंड यू forgave the iniquity ऑफ my sins. वहां पे लिखा है फिर कि तब तूने मेरे अधर्म के पाप को क्षमा कर दिया फॉर गे दास और यहाँ पर कर दिया मतलब ये तो भूतकाल की बात है What a wonderful text this is. <laughs> ना अद्भुत वचन है ये परमेश्वर का आई डिसाइडेड टू कन्फेस बट आई नॉट कन्फेस येट मैंने कबूलात करने का निर्णय लिया है परंतु अभी तक कबूलात नहीं की है बट यू ऑलरेडी फॉर परंतु मुझे तूने मुझे क्षमा कर दिया The thought of confession itself that was sufficing for the Lord to forgive us. वो कबूलात करने का विचार ही काफी था कितना अद्भुत वो इस बात की वाट नहीं देख रहा है इस बात पर वो राह नहीं देख रहा है कि आप हर एक पापों को अपने मुंह से कबूलात करें ट्रू रिपेंटेंस इज enough. सच्चा पश्चाताप अपने हृदय में काफी है एंड गॉड इज विलिंग टू फर्गिव एनी वन ऑफ और परमेश्वर हम में से हर एक को क्षमा करने के लिए तैयार है बाइबल पत्री एक और सात में प्रभु का वचन कहता है थ्रू हिस ब्लड वी हैव ऑफ सिंस हमको मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा है In Hebrews chapter 9, verse 22 says. Without shedding of of the blood there is no forgiveness of sins. और बहाने के अलावा कोई पापों की क्षमा नहीं है और इसीलिए परमेश्वर ने मसीह में उस कलवरी पर के वधस्तम पर उस क्रूस पर उस लहू को बहाया

ऐसा कोई पापी नहीं है जिसको परमेश्वर यीशु मसीह माफ ना कर सके देर इज नो सिन दैट इज ब्लड के नॉट क्लेंस ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको यीशु मसीह का रक्त शुद्ध ना कर सके आई टोल्ड यू लास्ट टाइम वी आर इन द ग्रेस पीरियड मैंने आपको पिछली बार ही कहा था कि हम कृपा के समय में जी रहे हैं Forgiveness is available for everyone today. ये क्षमा हर एक, एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है आज Whichever religion that you belong to,

From every unrighteousness. कि हम यदि परमेश्वर के सामने अपने पापों की कबूलात करेंगे तो वो वो बहुत ही विश्वासु है और वो धर्मी है कि हमारे पापों की हमें क्षमा देगा और हमें हर एक प्रकार के अपराध या फिर गुनाह से शुद्ध करेगा Come and receive God's forgiveness. आओ और परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण करो Those who have already been forgiven. जिन लोगों को क्षमा की प्राप्ति हुई है Share this forgiveness with others. ये जो क्षमा है इसे आप दूसरों के साथ बांटिए रिकनसाइल पीपल। लोगों के साथ रिश्तों को पुनः स्थापित कीजिए आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा इफ यू डॉट फर्द यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा Don't lose God's blessing because of this लूज ब्लेसिंग बिकॉज ऑफ न देने की वजह से परमेश्वर की आशीष को आप मत खो दीजिए to परमेश्वर की जो क्षमा है वो मेरे और आपके लिए आज उपलब्ध है लेट्स प्रे आइए प्रार्थना करेंगे Lord, Are a god who forgets we are so privileged because we are forgiven people we are accepted by you your, forgi your forgiveness is unconditional as your love is unconditional like we have seen in the story of prodigal son you went running so that this son may not be discarded forever Lord, you want all of us to be saved. You, you want all of us to be forgiven. What a loving God you are. I pray for those who are still not been forgiven by you, for those who have not come to you and asked for forgiveness. I pray that they will be convicted of the sins. They will come and seek forgiveness from you, Lord. I pray that you will speak to them, let your Holy Spirit work. In the hearts of every person who is hearing this message, we give you all glory and honor. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen.